नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल ऑनलाइन मस्ती में। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मेरे थंबनेल में कि अगर आप डिश टीवी आपका कनेक्शन है और आपका डिश टीवी में कोई भी प्रॉब्लम है या दिक्कत आ रहा हो, मतलब रिचार्ज बहुत ऐसे मतलब बहुत से टाइम टाइम ऐसे होता है कि आप रिचार्ज करने के बाद रिचार्ज नहीं आता और रिचार्ज होते हुए भी आपका कनेक्शन काट जाता है, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में आप क्या करते हो दोस्तों, कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए नंबर ढूंढते हो। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपके मतलब डिश टीवी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव साथ 1 ही मिनट के अंदर आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो बता के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें या रिजॉल्व कैसे करें आपके क्वेरी को। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आपको कैसे करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वहाँ पर जो लाल सब्सक्राइब का बटन है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको डिश टीवी कस्टमर केयर के साथ बात कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर या जो भी मतलब क्रोम या गूगल ब्राउजर जो भी है, तो यहाँ पे ओपन कर लेने के बाद अभी आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए डिश टीवी कस्टमर केयर नंबर, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर ये यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर आ गया 09501795017, तो यही है वो डिश टीवी का कस्टमर केयर नंबर जो दोस्तों 24x7 आवर्स आपको सर्विसेज देता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आप बात कर पाओगे रात को या 2 या 3 बजे भी कॉल करो तब भी। तो दोस्तों यहाँ पे कॉल लगाने के लिए मैं अभी आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ बात कैसे करना है, कॉल कैसे करना है। यहाँ पे जो नंबर है सिंपली यहाँ पे नंबर कॉपी कर लीजिए या यहाँ पे दबा के कॉल कर मतलब कॉल ऑप्शन पे दबा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो ये नंबर है, ये नंबर दोस्तों मतलब कॉल करने से पहले आपको एक काम करना है, जो पहले +91 है इसको हटा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे +91 दिख रहे हो इस नंबर को यहाँ से हटा लेना है। +91 को हटा लेते ही दोस्तों आपका कॉल कनेक्ट होगा, नहीं तो दोस्तों +91 होते हुए आप कॉल करोगे तो दोस्तों नंबर इनबिलीड दिखाएगा और आपका कॉल कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। दोस्तों यहाँ पे कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कॉल कनेक्ट हो गया डिश टीवी कस्टमर केयर के साथ और बोल रहे हैं आपका मतलब हिंदी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2 ऐसा बोल रहा है। दोस्तों आप उसी हिसाब से आपको एंटर करने जाना है आपके लैंग्वेज के हिसाब से। और दोस्तों बाद में आखिर में बोलेगा कि हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 8 या 9 दबाइए। दोस्तों तुरंत आपको 8 या 9 दबाने हैं, दबाते ही आपका जो कॉल है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। और आपका जो भी क्वेरी है खुल के बोलिए कि आपका टीवी कनेक्शन नहीं चल रहा है या रिचार्ज होने के बाद रिचार्ज शो नहीं कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आप बोलिए दोस्तों। और बोलने के तुरंत ही जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों आपका आपका हेल्प करेगा सहायता करने के लिए कि आपको 24x7 अवेलेबल रहता है। दोस्तों यही वो तरीका जिससे आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो और आपका क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो वो भी कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।